Good morning, students. Today I am going to explain social insects of chapter 5. Social insects क्या होता है ये मैं explain कर रहा हूँ. Living beings are called social. Living beings social कहलाते हैं जब वे एक साथ इकट्ठा रहते हैं. When they live together in large groups and help each other. Living beings कब social कहलाते हैं? जब वो एक साथ रहते हैं. When they live together in large groups. जब वो एक लार्ज ग्रुप में एक साथ रहते हैं और help each other और वो एक दूसरे की सहायता करते हैं तब वह सोशल कहलाता है. सोशल इंसेक्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने दिया है एंट्स, टर्माइट्स एंड सम काइंड ऑफ बीज एंड वास्प. एंट्स, टर्माइट्स एंड सम काइंड्स ऑफ बीज एंड वास्प आर हाईली सोशल एनिमल्स. हाईली सोशल एनिमल्स मीन्स ये बड़े ग्रुप में रहते हैं. ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स इट मीन्स एंट्स, टर्माइट्स और बीज ये बहुत बड़ी संख्या में 100-200 हजार की संख्या में एक साथ रहते हैं इसलिए ये हाईली सोशल एनिमल्स कहलाते हैं. हाईली सोशल एनिमल्स मतलब ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स. इसका एग्जांपल एंट्स. एंट्स आपने देखा है घर में रहता है ये उधर टर्माइट्स एंड बीज मक्खियां हाउस फ्लाई वगैरह हनी भी ये सब बीज के एग्जांपल होते हैं. वास्प ये सभी हाईली सोशल एनिमल. ये रहते कहाँ है ये क्या रहने का ये कॉलोनी है. दिस इज कॉल्ड कॉलोनी. दे लिव हियर ये यहाँ पर रहते हैं. इसमें इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं. इसमें एक क्वीन होता है. क्वीन का फंक्शन है दे ले एग्स. क्वीन मतलब एक रानी मधुमक्खी होती है वो अंडा देने का काम करती है. व्हाइल द वर्कर्स दीज आर कॉल्ड वर्कर्स. इनका क्या जॉब है दे क्लीन द नेस्ट लुक आफ्टर द बेबीज. ये नेस्ट की सफाई करने का काम करते हैं. बेबीज इनका जो बेबीज है उनका देखभाल करने का काम करते हैं. गैदर फूड भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं. एंड प्रोटेक्ट द नेस्ट और इस नेस्ट का हिफाजत इसकी रक्षा ये वर्कर्स के काम में होता है. क्या होता है सबसे पहले क्वीन ले एग्स. क्वीन जो है वो अंडा छोड़ती है और ये वर्कर्स जो है ये इनका देखभाल करते हैं. इनका पहला काम है क्लीन द नेस्ट नेस्ट का सफाई करना. दूसरा काम है लुक आफ्टर द बेबीज इनके बच्चे को देखभाल करना. एंड गैदर फूड और भोजन इकट्ठा करना. प्रोटेक्ट द नेस्ट और इसकी रक्षा करना. इसके अलावे और भी सोशल इंसेक्ट है. हनी भी ये सोशल इंसेक्ट्स है. हनी भी क्या करते हैं ये इसमें हनी इकट्ठा करता है. कहाँ से हनी भी फ्लावर से वो नेक्टर को पलट करके जमा करते हैं. और बी कीपर जो होता है मधुमक्खी पालने वाला जो होता है वो टाइम टू टाइम इसको यहाँ से निकाल लेता है हनी को और उसका यूज हम लोग करते हैं. तो दीज आर सोशल इंसेक्ट्स.
सोशल इंसर्ट यही हुआ। सोशल इंसर्ट उसके उसी कहते हैं जो एक लार्ज ग्रुप में हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, ये सभी कहलाते हैं सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट कई तरह के होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ दोनों को करते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ये हनी भी है, ये क्या है, यूजफुल इंसेक्ट्स। एंट्स क्या है, ये भी यूजफुल इंसेक्ट्स है, ये दोनों यूजफुल इंसेक्ट्स, इसके अलावा भी यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं।